आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन जब तक अपने साथ नहीं होंगे ना, तब तक जीवन सूना ही लगेगा। इसलिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है जीवन में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है। फरवरी 2023 का मासिक राशि फल, मंथली प्रिडिक्शन, फरवरी 2023 मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला रहेगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी विषय पर बहुत बारीकी से चर्चा करते हैं, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब कुछ कैसा रहने वाला रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होने वाला है फरवरी 2023 में। नवग्रह, ना केवल शनि राहु केतु, नवग्रह मिलकर क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे फरवरी के महीने में, बहुत डिटेल में जानेंगे। यह कार्यक्रम जन्म की राशि, चंद्र राशि पर आधारित है और लास्ट में आपको बताऊंगा क्या उपाय करने चाहिए। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं ना, चेक कीजिएगा, वो स्कैम होते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। फरवरी 2023 मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला रहेगा। जब फरवरी 2023 का महीना शुरू होगा तो मेष राशि से ग्रह गोचर नव ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस में विराजमान है राहु देव, तो सेवंथ हाउस में है केतु ग्रह। आपके सेकंड हाउस में विराजमान है मंगल ग्रह, जो कि राशि के मालिक हैं। आपके नवम स्थान में है बुध ग्रह, तो आपके दसम स्थान में है सूर्य। इलेवंथ हाउस में है शनि के साथ में शुक्र, तो बारहवें घर में विराजमान है देव गुरु बृहस्पति। अब सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, ध्यान से सुनना दोस्तों, जल्दबाजी में नहीं। फर्स्ट हाउस होता है इम्यूनिटी सिस्टम का, हमारे हेल्थ का, तो फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं कौन, मंगल ग्रह। और मंगल सेकंड हाउस में विराजमान है, किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव मंगल पे नहीं पड़ रहा है, मंगल मजबूत है, सेकंड हाउस अच्छा होता है, शत्रु के घर में जाकर बैठे हैं। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित चिंता नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन राहु है फर्स्ट हाउस में। जब राहु फर्स्ट हाउस में है ना, कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा हेक्टिक हो जाने की वजह से हेडक हो जाता है, या फिर बीपी लो होने की संभावना होती है। तो अपने ऊपर प्रेशर लेके नहीं आना है, अपने माइंड के ऊपर प्रेशर लेके नहीं आना है आपको, ठीक है। मंगल की दृष्टि अच्छी रहेगी, जो कि आपको साहस, आत्मविश्वास की तरफ भी अग्रसर यहां पे करती हुई देखी जाएगी, तो स्वास्थ्य संबंधी चिंता नहीं रहेगी। हाँ, पहले था अगर कुछ आपको परेशानी, वो भी यहाँ पे धीरे धीरे चलकर समाप्त होगी। वहीं पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2023। पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का, और पंचम के मालिक बनते हैं सूर्य देव। और सूर्य आपके 10th हाउस में है, 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 13 फरवरी के बाद अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो सूर्य अपने घर को देख रहे हैं। जब हम अपने घर को देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है, हम अच्छा फील करते हैं ना। जब हम अपने घर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा घर और अच्छा हो, हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करें। तो यहाँ पे सूर्य देव अपने घर को देखकर पंचम भाव को मजबूत बनाएंगे, यानी कि पढ़ाई को मजबूत बनाएंगे। 13 फरवरी के बाद आपका जो स्टडी है, आपका जो पढ़ाई है, वो अच्छी देखी जाएगी, और फॉर्म फिल करना और एग्जाम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं लव रिलेशन, प्रेम प्यार कैसा रहेगा फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना तो वैसे भी लव का महीना माना जाता है भाई, तो पंचम भाव के मालिक सूर्यदेव 11th हाउस में आ जाएंगे, 10th हाउस में रहेंगे। जो आपके वर्किंग प्लेस पे रिलेशन चल रहा है, ध्यान से सुनना, जो आपके वर्किंग प्लेस पे रिलेशन चल रहा है, वहां पर थोड़ा मन मुटाव देखा जा सकता है। जो आपके आस पड़ोस में रिलेशन चल रहा है, वो भी थोड़ा सा मन मुटाव देखा जा सकता है। जो रिलेशन आपका थोड़ा दूर का है, ना तो आस पड़ोस का है और ना ही वर्किंग प्लेस पे है, यानी कि जिनसे आप रोज नहीं मिलते, रोज नहीं देखते, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। खासकर 13 फरवरी के बाद जो भी शिकायतें, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा था लव रिलेशन में, वो सही हो जाएगा। उसके बाद वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मेष राशि की फरवरी के महीने में। 7th हाउस के मालिक शुक्रदेव और 11th हाउस में विराजमान है, फिर 12th हाउस में चले जाएंगे। 15 फरवरी को 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे। एक बात कहूँ आपसे, 15 फरवरी से पहले आपके संबंध, आपके रिलेशन लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे रहेंगे। इसी के साथ साथ जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपको सपोर्ट तो करेंगे करेंगे, उनकी एडवाइस, उनका सजेशन, एक छोटा सा सजेशन आपके लिए बहुत अच्छा सक्सेस दे सकता है। अपने लाइफ पार्टनर की बात को समझें, क्योंकि शुक्रदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है।
और जो आपके लाइफ पार्टनर है ना, उनके भी करियर में ग्रोथ या फिर उनके मन में बहुत अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, या फिर वो अपने आइडियाज को या फिर अपनी किसी भी चीजों को एक्शन में लेकर आ सकते हैं फरवरी के महीने में। वो सोच रहे थे कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, वो सोच रहे थे कि मैं जमीन लेना चाहता हूँ, वो सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, यानी कि उस प्लानिंग को वो एक्शन में लेके आ सकते हैं फरवरी के महीने में। इसी के साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। मैरिड लाइफ यहां पर अच्छी रहेगी, लेकिन हां 15 फरवरी के बाद जब शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे वो भी अच्छा है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पर ध्यान रखना लाइफ पार्टनर के, थोड़ा बहुत। हालांकि शुक्र उच्च के रहेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, बिजनेस, सबके यही मुख्य प्रश्न होते हैं, हमारा भाग्य करियर कैसा रहेगा। भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और करियर के मालिक बनते हैं शनिदेव। भाग्य स्थान के मालिक देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं फरवरी के महीने में, कोई परिवर्तन नहीं है, और शनिदेव का भी कोई परिवर्तन नहीं, 11th हाउस में है, कुंभ राशि में। दोस्तों देवगुरु की पोजिशन अच्छी है, आपको फॉरेन कनेक्टिविटी में फायदा हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग से फायदा हो सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी से फायदा हो सकता है, आध्यात्मिकता से फायदा हो सकता है, समाज से फायदा हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज से फायदा हो सकता है। अगर आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्टिविटीज में, सोशली आप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आप जाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा सक्सेस दिखा रहा है। आपको कब, कहां और किस चीज से फायदा हो जाए ये पता नहीं चलता, समय का कोई पता नहीं चलता दोस्तों, समय बड़ा बलवान है। तो इस चीज में आपको फायदा हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी आपको जाना चाहिए, आध्यात्मिकता में आपको जाना चाहिए, और हाँ भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी है और साथ में मंगल भी अच्छे हैं, तो निश्चित आपको बहुत अच्छा फायदा वो देंगे। और हाँ एक चीज और, जब गुरु की पोजिशन अच्छी है ना, तो MNC कंपनी में भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं या कुछ भी आप ट्राई कर रहे हैं भाग्य से संबंधित, तो भाग्य आपका साथ देगा। इसी के साथ आपका करियर, आपका कर्म क्षेत्र और बिजनेस कैसा रहने वाला रहेगा। करियर के मालिक बनते हैं शनिदेव और शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, 17 जनवरी को आपकी राशि से 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और शास्त्र, वेदांग शास्त्र कहता है कि शनिदेव जब 11th हाउस में आते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है कि बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाए। आप जहां जाना चाहते थे, जहां पे नौकरी चेंज करना चाहते थे, वहां आपको नौकरी मिल जाए, या जिस सीट पर आप काम करते हैं वो सीट बदल के आपको एक अच्छी कामयाबी मिल जाए। कार्य क्षेत्र को लेकर जो परेशानी चल रही थी, जो लैक पुलिंग चल रही थी, जो षड्यंत्र चल रहा था आपके करियर में, वो दूर हो जाएगा। शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है 11th हाउस में, और 11th हाउस इनकम का भी होता है, डिजायर्स का भी होता है, और 2.5 साल तक शनिदेव यहीं रहेंगे आपके 11th हाउस में, 2.5 साल तक। तो सबसे पहली बात, ना केवल फरवरी, इस 2.5 साल के अंदर अंदर आपको गेन जरूर देंगे। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो 15 फरवरी से पहले आपका व्यापार अच्छा रहेगा, 15 फरवरी के बाद अपने व्यापार को लेकर ट्रैवल हो सकते हैं, अपने व्यापार में कुछ तकनीकी तौर पे चेंजेस कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉयर ऐड कर सकते हैं आप अपने बिजनेस में, किसी तरीके का कोई परिवर्तन लाने की सोच सकते हैं अपने व्यापार में, या फिर अपने व्यापार को मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से मैं गेन करूं, कैसे मैं अपनी इनकम को गेन करूं, ये तरह तरह की चीजें आएंगी और एडवाइस भी आपको मिलेगी अपने व्यापार को लेकर। व्यापार ठीक दिखाई दे रहा है आपका, शुक्र उच्च के हो जाएंगे, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। ये बताया दोस्तों मैंने सभी कुछ, कैसा रहेगा फरवरी 2023, क्या उपाय करने चाहिए आपको। राशि के मालिक है मंगलदेव, हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना, मंगल का बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाय नमः 108 बार रोज सुबह। इसके साथ में सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाइए और महादेव की पूजा करिए। आप कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।